मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को पलीता लगा रहेगा सरकारी कर्मचारी। मूल निवास प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए खुले हाथ ली जा रही है जन सुविधा केंद्र में रिश्वत। एक ओर जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए फरमान जारी किया जा रहा है कि यदि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्व के प्रति लापरवाह पाया गया या किसी गलत कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी ताकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना साकार हो सके। लेकिन यूपी के अधिकारियों व कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री के इन आदेशों का कोई खौफ नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण यूपी के तहसील फतेहाबाद के जन सुविधा केंद्र में देखने को मिला, जहां लोगों से मूल निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र के नाम पर खुलेआम रिश्वत ली जा रही है, जबकि सरकार के आदेश के अनुसार मात्र 10 रूपए जमा कर यह प्रमाण पत्र बनवाने के आदेश है। वहां पर बैठे कर्मचारी लोगों से मनमाने रुपए लेकर लोगों का प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इसकी जानकारी जब हमारे न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम खिलाड़ी शर्मा को हुई तो वह तत्काल वहां पहुंच गई और रिश्वत लेते हुए कर्मचारियों की एक सीक्रेट वीडियो बना ली। इसकी जानकारी जब उनको हुई तो वहां उसे नदारद हो गए। अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री के आदेशों पर अमल और क्यों नहीं लग पा रही ऐसे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों पर लगाम। यह अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय व चिंतनीय विषय है जिस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है ताकि पीएम नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना साकार हो सके। राम खिलाड़ी शर्मा की रिपोर्ट।